मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट, एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहने के एडवांटेज, क्या जो लाभ होते हैं जॉइंट फैमिली में रहने के। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था माय फैमिली के बारे में। फैमिली टू टाइप्स की होती है, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली में रहने के एडवांटेज। चिल्ड्रन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली आर मोर इंटरेक्टिव एंड एक्सप्रेसिव। जॉइंट फैमिली में रहने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और इम्प्रेसिव होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। दे एन्जॉय द सपोर्ट एंड लव फ्रॉम द एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स। वे अपनी फैमिली सहित अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने वाले सपोर्ट और लव को एंजॉय करते हैं। मतलब उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी सपोर्ट मिलता है, लव मिलता है, और अपनी पूरी फैमिली से भी मिलता है, जिसको वो एंजॉय करते हैं। दे लर्न सम गुड हैबिट्स लाइक शेयरिंग, केयरिंग, डूइंग थिंग्स टूगेदर, गिविंग रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इटीसी। वे अच्छी आदतें सीखते हैं, जॉइंट फैमिली में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो अच्छी आदतें सीखते हैं, जैसे शेयरिंग, बांटना, केयरिंग, देखभाल करना, डूइंग थिंग्स टूगेदर, साथ साथ चीज़ों को करना, गिविंग रेस्पेक्ट टू एल्डर्स और अपने बड़ों का सम्मान करना। इन रिसेंट टाइम्स बोथ द पेरेंट्स हैव टू वर्क टू रन ए फैमिली। इन दिनों अपने परिवार को चलाने के लिए पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, दोनों को ही काम करना पड़ता है। इफ़ देर इज सम एल्डर्स टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट होम, अगर घर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई बड़े होते हैं, देन द पेरेंट्स कैन वर्क विदाउट मच ऑफ स्ट्रेस, तब वे बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के वो काम कर सकते हैं। एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मेड और एट ए बोर्डिंग, और बच्चों को किसी मेड के भरोसे या किसी नौकरानी और डे बोर्डिंग के भरोसे उनको नहीं छोड़ना पड़ता है। अबव ऑल द गाइडेंस ऑफ एल्डर पीपल इज यूजफुल एंड इनवेल्यूबल, और इन सब के ऊपर जो एल्डर पीपल्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी जो गाइडेंस होती है वो बहुत ही यूजफुल और इनवेल्यूबल और अमूल्य होती है। तो ये सारे हैं हुए जॉइंट फैमिली में रहने के एडवेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवेंटेज ऑफ लिविंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में रहने के क्या एडवांटेज हैं। नाउ डेज द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। इन दिनों जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। नाउ मोर एंड मोर पीपल प्रीफर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली फॉर सेवरल रीजन्स, और अब जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कुछ कारणों की वजह से। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट जॉब इन द सेम सिटी, बहुत सारे लोगों को सेम शहर में जॉब नहीं मिलती है, जो प्राप्त वो नहीं कर सकते हैं, सो दे हैव टू लिव सेपरेटली, इसलिए उनको वहाँ से सेपरेट होना पड़ता है, उनको अलग होना पड़ता है। जैसे किसी को गांव में जॉब नहीं मिलती है तो उनको जॉब के लिए शहर में जाना पड़ता है, तो इस वजह से भी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। एज देर आर मोर मेम्बर्स इन एन एक्सटेंडेड फैमिली विथ डिफरेंट व्यूज एंड थाट्स, बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के, जॉइंट फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उन सब के जो व्यूज़ होते हैं, विचार होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो देर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग देम, इसलिए संभावना बढ़ जाती है झगड़ा होने की और मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच होने की, क्योंकि जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो वहाँ झगड़ा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। न्यूक्लियर फैमिली मेम्बर्स आर मोर इंडिपेंडेंट एज दे कैन टेक देयर ऑन डिसीजन। न्यूक्लियर फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ताकि वे अपने डिसीजन खुद ले सकें। टुडेज टॉपिक हैज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।